हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर एक रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। ये लेसन नंबर एक का 12वां वीडियो है। इसमें पढ़ रहे हैं हम रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम तीन होते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। तो देखो, हमने जो पढ़ा इससे पहले वीडियो में, वो पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो दिया था लेवासिए ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवासिए ने दिया था। इसका पूरा नाम है एंटोनी लेवासिए। इसने ये नियम दिया था और उन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान किसका होता है भाई, उत्पाद का होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान जो है वो क्या है भाई, संरक्षित है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि भाई किसी, इसको जो ये दिया था प्रॉस्ट ने, जोसेफ प्रॉस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। और उन्होंने कहा कि भाई किसी भी यौगिक के शुद्ध नमूने में या शुद्ध यौगिक के नमूने में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है, स्थिर रहता है। एक बार फिर से सुन लो, इस नियम के अनुसार किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूने में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान स्थिर रहता है। जैसे देखो इधर, जैसे ये है हमारे पास जल है, ये जल को आप किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त कर लो, चाहे आपने इस जल को कहीं से भी प्राप्त किया हो, चाहे हो कुएं से, चाहे हो ये झरने से, चाहे ये हो तालाब से, और चाहे इसे प्राप्त किया हो अपने समुद्र से, कैसे भी आपने प्राप्त किया हो, किसी भी विधि के द्वारा आपने जल को प्राप्त किया हो, हमेशा इसमें इसका जो अनुपात होगा वो अनुपात क्या होगा भाई, 1:8 होगा। 1:8 कैसे होगा भाई, 2:16। इसको सरल करेंगे तो 1:8 कितना आएगा भाई, 8 आएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि जोसेफ प्रॉस्ट ने क्या कहा है भाई, जोसेफ प्रॉस्ट ने यह कहा है कि किसी भी यौगिक के शुद्ध नमूने में या शुद्ध यौगिक के नमूने में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, चाहे यौगिक को आपने किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त किया हो, चाहे आपने यौगिक को किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त कर लिया हो। एग्जाम्पल के लिए आप, हम लेते हैं जल में जो अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना होता है, 1:8 आता है। कैसे आता है भाई, 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 1:1 होता है, ऑक्सीजन का 1:16। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:8, अर्थात जो इसका अनुपात होगा वो कितना होगा भाई, 1:8 होगा। कितना होगा भाई, 1:8 होगा। समझ आ गया आपको, इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब पढ़ेंगे हम गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था भाई, डाल्टन ने दिया था गुणित अनुपात का नियम। तो आप समझो गुणित अनुपात का नियम क्या है, इस नियम को किसने दिया था भाई, डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात के नियम को किसने दिया, डाल्टन ने दिया। तो देखो, हेडलाइन डालो अपने नोट्स में, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम देखो, गुणित अनुपात का नियम,
देखो इसको, इसे किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। इसे किसने दिया? डाल्टन ने दिया। और उन्होंने कहा जब दो तत्व आपस में संयोग करके क्रिया करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं या एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इन यौगिकों में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान हमेशा गुणित अनुपात में होता है। एक बार फिर से समझो, इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं आपको एक बार। भाई जब दो तत्व के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं या निर्माण करते हैं। उन यौगिकों में उपस्थित तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात द्रव्यमान तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान हमेशा गुणित अनुपात में होता है या पाए जाते हैं या होते हैं। एक बार फिर से सुन लो, जब दो तत्व के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। इन यौगिकों में उपस्थित तत्व के परमाणु हमेशा गुणित अनुपात में होते हैं। समझो इसको कैसे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं तो क्या बनेगा भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यही कार्बन ऑक्सीजन से फिर संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब देखो, इस कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हम देखते हैं तो इधर देखो, इधर हम बनाते हैं, जैसे यहां तो हम लिखते हैं तत्व कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। इधर हम लिखते हैं यौगिक। तो देखो, इधर लिखते हैं हम यौगिक, तो यौगिक में देखो कौन कौन से यौगिक आपके पास में, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में भाई, या कार्बन का कितना है भाई द्रव्यमान कितना है? 12। यहाँ पर भी कितना है? 12। यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 और यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 2। तो एक का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। तो देखो यहाँ पर जो द्रव्यमान का अनुपात है वो कैसा है? गुणित अनुपात में है। तो देखो 16 × 32 तो गुणित अनुपात में है नहीं भाई, आपने 16 को 2 से गुणा किया कितना है? 32 आया। तो एन कितना हुआ? 16:32। तो 16:32 को सरल करोगे आप तो कितना है भाई? 1:2। तो इनका जो अनुपात आया हमेशा किस में रहेगा भाई? गुणित अनुपात में रहेगा। एक बार फिर से समझ लो, गुणित अनुपात के नियम को डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात के नियम को किसने दिया भाई? डाल्टन दिया। और उन्होंने बताया कि जब दो तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। उन यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं का अनुपात तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान हमेशा गुणित अनुपात में होता है। तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान
तत्व के परमाणु के द्रव्यमान हमेशा गुणित अनुपात में होता है। एक बार फिर से सुन लो, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया भाई? डाल्टन ने दिया, और उन्होंने कहा कि जब दो तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, और इन यौगिकों में तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान हमेशा गुणित अनुपात में होते हैं। भाई जैसे आपके पास में कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा आपस में संयोग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो देखो, कार्बन ऑक्सीजन के एक परमाणु से क्रिया करता है तो ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इधर देखो भाई, दो यौगिक बनाए उन्होंने, क्या क्या बनाया? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, इधर देखो यहाँ पर कार्बन कितना है भाई? 12, ऑक्सीजन कितना है भाई? 16। ऑक्सीजन भाई कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है भाई? 16। इधर देखो यहाँ पर कार्बन का 12 है, यहाँ पर कितना है भाई? एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना हो गया भाई? 32 हो गया। तो इधर देखो अनुपात कितना है भाई इसका? 16:32। कितना आया? 16:32 आया। तो 16 × 32 सरल करोगे तो कितना है भाई? 1:2। तो समझ आ गया होगा आपको कि जो तत्वों के परमाणु का जो अनुपात है कैसे रहेगा, वो गुणित रहेगा। तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान हमेशा कैसे रहेगा भाई? गुणित अनुपात में होगा, यानी 1:2 होगा। समझ आया भाई आपको? 1:2 होगा। इसी तरह देखो, एक एग्जाम्पल और ले लो आप, एक एग्जाम्पल और लो। ये तो कार्बन का हो गया, इसको एक बार यहाँ पर नोट कर दो। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है कार्बन से। तो हम लिखते हैं, पर एक सारणी बना लेते हैं इसे। यहाँ यौगिक, इधर तत्व, कौन कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा भाई? 32। यहाँ पर जो इसका अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 1:2, सरल करोगे जब। ठीक है, तो कितना अनुपात आया? 1:2। इसी तरह नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपके तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आपस में संयोग करके 5 ऑक्साइड बनाते हैं, 5 ऑक्साइड बनाते हैं, या 5 प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान तो स्थिर रहता है जबकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान गुणित अनुपात में होता है। भाई देखो कौन कौन से ऑक्साइड बने, इधर देखो N2O, 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 N2O3 और N2O4, N2O5, N2O5 बन गए 5 प्रकार के ऑक्साइड भाई। N2O5 कितने प्रकार के ऑक्साइड बने भाई? 5 प्रकार के ऑक्साइड बने। इधर देखो, समझो भाई यहां पर कौन से तत्व ले हम? नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक, यहां पर हम तत्व ले ले। नाइट्रोजन ले पहले, नाइट्रोजन और यहां ले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। देखो तो एक नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है, यानी 14 होता है। दो का कितना होगा भाई? 28। ऑक्सीजन का 16। यहाँ पर भी 28, क्योंकि 2 से गुना होगा। 28 और 16 × 32
32, यहाँ पर 28 और 16 3 48, इधर देखो यहाँ पर 28 और यहाँ पर 64, यहाँ पर 28 और यहाँ पर 80। आगे बात समझ में आपको, तो देखो क्या कह रहा है भाई डाल्टन जी, क्या कह रहे हैं भाई डाल्टन जी ने कहा है कि भाई जब दो तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों में तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान गुणित अनुपात में होता है। परमाणु द्रव्यमान कैसा रहता है भाई, गुणित अनुपात में होता है। अब यहाँ पर एक तत्व है यानी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान तो कैसा रहेगा भाई, स्थिर रहेगा, सब में कितना है 28 28 है ना। लेकिन ऑक्सीजन का क्या होगा, गुणित अनुपात में होगा। कैसे देखो, 16 2 32 48 64 और 80, यानी इसको हम सरल करते हैं तो देखो 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80, ठीक है। 16 अनुपात 16 दूनी 32 16 3 48 16 4 64 और 16 5 80, तो इसका जो अनुपात आया कैसा आया भाई, गुणित अनुपात में आया। देखो 16 दूनी 32 16 3 48 16 4 64 और 16 5 80, यानी गुणित अनुपात में है। तो यही इसे ही कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या कहते हैं भाई इसे, हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। अब ये जो इसको तो बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं भाई। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, ये आपके नोट्स में नाम लिख रहे हैं, पढ़ लेना इनको, याद कर लेना आप भाई। N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर भाई, समझ आ गया होगा आपको गुणित अनुपात का नियम। तो इस संयोजन, ये रासायनिक संयोजन के नियम कंप्लीट होते हैं। एक नियम और है, गैलुसेक का आयतन संबंधित नियम। गैलुसेक का आयतन संबंधित नियम, इसको एक बार फिर से समझ लो। गुणित अनुपात का नियम क्या है भाई, गुणित अनुपात के नियम को डाल्टन ने दिया और उन्होंने कहा कि जब दो तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों में उपस्थित तत्व के परमाणु का द्रव्यमान हमेशा गुणित अनुपात में होता है। इधर देखो भाई, कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया कर दो यौगिक बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का 12 और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 32। जब 16 और 32 को हम सरल करेंगे तो कितना आया भाई, 1:2 आया। इसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। अब इन 5 प्रकार के ऑक्साइड में नाइट्रोजन का द्रव्यमान तो स्थिर रहता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कैसा रहेगा भाई, गुणित अनुपात में होगा। आपको दिख भी रहा है, इधर देखो 16 16 16 दूनी 32 16 3 48 16 4 64 16 5 80, तो इसका जो अनुपात निकलेगा, सरल अनुपात में निकालोगे तो आप 1:2 1:3 1:4 1:5 ऐसे निकलेगा। ये आ गया आपको समझ में गुणित अनुपात का नियम। तो हमने नियम पढ़ लिए 3, कौन कौन से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। आगे बात समझ में आपको, अब पढ़ेंगे हम गैलुसेक का नियम या गैलुसेक का आयतन संबंधित नियम आगे, ठीक है भाई। आगे देखो गैलुसेक का आयतन संबंधित नियम, तो गुणित अनुपात के नियम समझ आ गए आपको।
भाई गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने दिया। और उन्होंने कहा है, क्या कहा है भाई उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जब दो तत्व के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इन यौगिकों में उपस्थित तत्व के परमाणु का द्रव्यमान गुणित अनुपात में होता है। इसके लिए एग्जाम्पल आपको बताया मैंने, कार्बन और ऑक्सीजन का, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो गैलोसेक का आयतन संबंधित नियम, गैलोसेक का आयतन संबंधित नियम, ये सन 1803 में ये दिया था। 1803 में गैलोसेक का आयतन संबंधित नियम 1803 में दिया था गैलोसेक ने। और उन्होंने कहा कि समान ताप व दाब पर गैस सरल अनुपात में संयोग करके उत्पाद बनाती हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक गैस का निर्माण सरल अनुपात में होता है। तो देखो, ये नियम दिया 1803 में, किसने दिया? गैलोसेक ने दिया। और उन्होंने क्या कहा भाई, समान ताप व दाब पर गैस सरल अनुपात में संयोग करके उत्पाद बनाती हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक गैस का निर्माण करती हैं, जो सरल अनुपात में होता है। देखो कैसे, इसके डेफिनेशन लिख दो आप। इस नियम के अनुसार क्या कही उन्होंने? इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर गैस आपस में संयोग कर उत्पाद बनाती हैं। ठीक है, अब जैसे क्या कहा उन्होंने कि भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग कर हाइड्रोक्लोरिक गैस का निर्माण करती हैं, जिसका अनुपात कैसे होता है भाई? सरल अनुपात होता है, एक अनुपात दो। ठीक है भाई, तो देखो अनुपात कैसा आया इसका, एक अनुपात दो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में संयोग कर रहे हैं, तो क्लोरिक गैस का निर्माण होता है। अब इसका अनुपात होता है भाई, देखो हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2 संयोग होगा तो 2HCl, यहाँ पर देखो इसका भी एक आयतन और कितना आयतन गैस बनी? दो आयतन। तो अनुपात देखो, एक अनुपात दो। तो अनुपात कैसे हुआ भाई इसका?
एक अनुपात दो। इसी प्रकार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अभिक्रियाकार, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अभिक्रियाकार अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं, जिसमें अनुपात आता है इसका 1:3:2। तो समझ आया भाई गैलोसेक आयतन संबंधित नियम क्या कहता है? समान ताप व दाब पर गैस आपस में संयोग कर उत्पाद बनाती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में संयोग कर हाइड्रोक्लोरिक गैस का निर्माण करती हैं, जिसमें अनुपात होता है इसका 1:1:2। इसी तरह देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रियाकार बनाती है अमोनिया। यहाँ पर जो इसका अनुपात आएगा वो अनुपात आएगा यहाँ पर जो अनुपात आएगा इसका वो देखो इसका नाइट्रोजन का 1:3:3 और यहाँ पर जो गैस बनी अमोनिया वो कितने आयतन में गैस बनी भाई? 2 गैस बनी। अब इसका अनुपात देखो 1:3:2। समझ आ गए भाई आपको? तो ये है गैलोसेक का आयतन संबंधित नियम। तो आपने 4 नियम पढ़ लिए भाई, रासायनिक संयोजन के 4 नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और गैलोसेक का आयतन संबंधित नियम। तो 4 नियम हो गए भाई। नियम नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, एक बार फिर से सुन लो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ाया आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था एंटोनी लेवोसिए ने। उन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, और द्रव्यमान जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा भाई, किसका होगा? उत्पाद का होगा। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे आपने पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम को जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्व के परमाणु का द्रव्यमान हमेशा कैसे रहता है भाई? स्थिर रहता है, उस यौगिक को चाहे आपने किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त किया हो। समझ आ गया? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जल का, H2O को आप तालाब से ले लो भाई, चाहे आप इसको झरने से ले लो, चाहे कहाँ से ले लो भाई, इसको झरने से ले लो, नदी से ले लो इसे, तो इसका जो अनुपात आएगा